Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. First of all, I'm very thankful to the management of Peshawar University and specifically to the chairman. And I'm thankful to the Department of Journalism and Mass Communication. I'm really sorry. I am Hammad Saffi and I'm a later professor. People call me Nana Professor, but I am not actually. They call me by love. They love me. They like me. So that's why people call me Nana Professor. But I salute to the professor, as we have Mr. Bhagat. He is also a professor. So I salute to him. You have PhD and you have 15 to 16 years experience if you are a professor. So today we'll be talking about the success, the story of success, but start from the challenges. Dunya mein har kadam, har lamha, har ek pal challenge hai. Har ek minute, har second, har ek day, har ek month, har ek saal, challenge hi challenge hai. Jab hum is dunya mein paida ho jate hain, to sabse pehla challenge jo hamara hota hai, wo chalna. Insaan jage ek dafa gira nahi hota, wo chalna nahi sikta. मैं हूँ तो मैं भी बचपन में बहुत गिरा हूँ तब मैंने जाकर चलना सीखा है. हम हर एक चीज़ में फेल होते हैं फिर बाद में सक्सेस होते हैं. हम कहते हैं कि फेलियर इज ऑपोजिट ऑफ सक्सेस. एक फेलियर होता है एक सक्सेस होता है. गलत, ये बात गलत है. फेलियर ऑपोजिट नहीं होता सक्सेस का. फेलियर जो है वो पहला हिस्सा है और मेन हिस्सा है सक्सेस का. सक्सेस जिसे हम कामयाबी कहते हैं, विक्ट्री, जब हम अपने लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं. तो याद रखिएगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है. हम अगर दुकानदार के पास जाते हैं, पैसे देते हैं तब वो चीज़ देता है, पैसे नहीं देते तो वो नहीं देता. फ्री में नहीं है कोई. अब आप सोचो, आप सोच रहे होंगे कि भिखारी तो भीख फ्री में लेते हैं. वो भी भीख फ्री में नहीं लेता. उसके पास भी कोई चीज़ है जो वो लोगों को देता है, तब लोगों से भीख देते हैं, तब लोगों से जाकर पैसे देते हैं. वो है इज्जत. उनके पास, यस, इज्जत का वजूद उनके पास होता है. वो अपना ग्रेस डाउन करके, अपनी डिग्निटी डाउन करके वो हाथ आगे करते हैं और पैसे मांगते हैं. तो जो भी हाथ आगे करते हैं वो शर्म से डिग्निटी, अपनी ग्रेस को डाउन करके, ख़त्म करके हाथ आगे करता है. तो याद रखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है. हर एक चीज़ की अपनी एक कीमत है, एक वैल्यू है, एक वर्थ है हर एक चीज़ की. कोई चीज़ भी मुफ्त नहीं. अब है सक्सेस की. दुनिया में हर आदमी सक्सेस होना चाहता है, लेकिन हम सोचते हैं कि सक्सेस क्या चीज़ है. हम सोचते हैं कि सक्सेस ये है कि बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो और साथ में स्विमिंग पूल भी हो, बड़ी सी बस लग्जरियस लाइफ हो, इसे हम सक्सेस कहते हैं. लेकिन नहीं, ओह सॉरी सर, सक्सेस वो होता है विक्ट्री, जब हम अपने लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं. वो हमारी सक्सेस है. हम सक्सेस तब होते हैं जब हम अपने लाइफ से सेटिस्फाइड हो जाते हैं. देखिए कि पैदाइशी कोई साइंटिस्ट नहीं होता, पैदाइशी कोई स्टीव जॉब नहीं होता, पैदाइशी कोई बिल गेट्स नहीं होता, कोई पैदाइशी बड़ा आदमी नहीं होता. वो कदम कदम पर, स्टेप स्टेप्स के बाद फिर जाकर सक्सेस हो जाता है, कामयाब हो जाता है, अपना ड्रीम उसका जो फुलफिल हो जाता है. तो यहाँ अब मैं आपको कुछ स्टेप्स जो हैं वो स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स हैं जो स्टार्ट है और जिससे हमारी 80% सक्सेस मुकम्मल होती है. अगर हम इस पे सोच करें, इस पे ज़रा ध्यान दें, फोकस करें और इसी को अपनाएं. पहली है हार्ड वर्क, मेहनत बहुत ज़रूरी है. हम मेहनत नहीं करते तो हम कामयाब नहीं हो सकते, हम स्ट्रगल नहीं करते. दुनिया में याद रखिए दो तरह के लोग होते हैं. दुनिया में दो तरह के किस्म के, एक होता है ड्रीमर और एक होता है रेस्टेकर. ड्रीमर ड्रीम करता है, सोच करता है, अपने लिए गोल सेलेक्ट करता है, डायरेक्शन सेलेक्ट करता है, लेकिन जब जाता है रास्ते में थोड़ी सी मुश्किल आती है, पीछे हट जाता है. लेकिन ये नहीं, अगर आप राइट वे पे हैं तो आपको मुश्किलात खामखा आएंगी. जैसे कि मेरी मंजिल है कि मैं वहाँ से उधर जाऊँ, उस दीवार तक ये मेरा मंजिल है कि जाऊँ, लेकिन कुछ लोग इधर से भोंकेंगे, कुछ लोग इधर से, कुछ नीचे से, कुछ ऊपर से, आस पास को जो इन्वायरमेंट है वो तुझे घेर लेगा और कहेगा नहीं जा सकते, तुम नहीं बन सकते, कर ही नहीं सकते. हमारे दिमाग पे भी रोस आता है, उसे मान लेते हैं और हम चले जाते हैं कि नहीं कर सकते, मना मैं दरमियान में कौन, जप की लाश हो गया माँ. यस, हम कहते हैं ना जप की लाश हो गया माँ. तो फिर यही है. लेकिन याद रखिए कि चैलेंज जो होता है वो हमें फेस करने चाहिए. दो तरह के चैलेंज, एक होता है कि आदमी चैलेंज कर लेता है, जीत जाता है चैलेंज में,
और एक होता है जो दिल से कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है चैलेंज को कि आओ भाई मैं तैयार हूँ, रेडी हूँ, जो दिल से कबूल करता है वही फिर जीतता है। हम कहते हैं ना कि जब चैलेंज होता है, एक तो चैलेंज में जीत होती है, दूसरी क्या होती है? जीत होती है और दूसरी क्या होती है? हार। तुम लोगों ने हार बोला, लेकिन नहीं, ये हार नहीं है, दूसरी है सीखना। हार नाम का कोई चीज है ही नहीं, लर्निंग। हार नाम की कोई चीज हम जिंदगी में है ही नहीं। अगर हम अपनी जिंदगी से हार नाम निकाल ले, दुनिया के कदम कदम पर जो चैलेंज है उसे दिल से कबूल कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो हम फिर बन सकते हैं जो हमारी ड्रीम होती है। वी कैन डू दैट एंड वी कैन बी एज वी वॉन्ट। बस ये एक लफ्ज है आपकी पूरी तकदीर बदल कर देगा, आपकी पूरी तकदीर बदल देगा। लेकिन हम उस पर जब काम करें, ऐसे भी नहीं है कि सिर्फ डाल दो बस दिन रात सो, काम ना करो, दिन रात खराटे मारो, घर में जाओ बस आराम से बेड पर सोए कि भाई कुछ भी नहीं है, खुद ही कामयाब होऊंगा ना, लोग आएंगे ना, ऐसा नहीं होता। हम जब स्ट्रगल करते हैं, इस तरह मैंने कहा ड्रीमर ड्रीम करता है, सोचता है, आगे जाता है लेकिन फेल हो जाता है, वो पीछे हट जाता है, लेकिन रिस्क का हार नहीं मानता। इट डजंट गिव रिस्ट को दिन रात मेहनत करता है, वो स्ट्रगल करता है, हार्ड वर्क करता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। उस पर जो भी मुश्किल आता है वो लोगों को नहीं देखता कि लोग क्या कहते हैं, अपना काम, अपना डायरेक्शन, अपना वे। वो अपने क्लास का ख्याल नहीं रखता, वो अपने कुछ का ख्याल भी नहीं रखता, बस एक मिशन है, उस ऊपर लगे रहो। यस एग्जैक्टली, तो स्ट्रगल करता है, ड्रीमर ड्रीम कर तो सो जाता है, रात को खराटे मारता है, लेकिन रिस्टेकर वो जागा होता है, वो काम कर रहा होता है, सर्चिंग कर रहा होता है, अपने लिए टॉपिक्स लेक्चर्स रेडी करता है, अपना जो मिशन है विजन है उस पर काम करता है कि भाई ये तो सो रहे, मैं तो चलो काम करूँ ना, कि कल को ये सो रहा सोया रहेगा, मैं तो कुछ करूँ कि मेरा तो कोई नाम हो ना, सक्सेस हो जाओ, कामयाब हो जाओ, विक्ट्री हासिल कर सकूँ, अपने लाइफ से सेटिस्फाइड हो जाओ। तो ये है। दूसरी है सबर। सबर का वजूद होना चाहिए खामखवा। सबर बेहतरीन चीज है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हर रोज गली से गुजरते तो बूढ़ी औरत उन पे गन डालती है, उन्होंने सबर किया, 4 महीने मुतवातिर गन डाला लेकिन एक दिन नहीं डाला, तो वो परेशान हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से पूछा कि क्यों आज उसने मुझ पे गन क्यों नहीं गन, उन्होंने उससे कहा कि वो बीमार है। फिर वो उनकी बीमार पुरसी के ले जाते हैं, तो फिर वही उधर ही उसके साथ ही वो औरत इस्लाम कबूल कर लेती है। तो सबर बेहतरीन चीज है। दुनिया में एक चीज है जो किसी के लिए ना सबर करती है और ना रुकती है। एग्जैक्टली, हम उसके लिए सबर करते हैं कि वक्त आएगा, हम सबर करते हैं अच्छा अभी 3 बजे, ओ 4 बजे कब बजेंगे, तो हम सबर कर, वो नहीं करता, वो तो अपने डायरेक्शन उसके पास होता है, चला जाता है। तो दुनिया में हमें 3 तरह के जो चैलेंजेस होते हैं वो उसे हम फेस करते हैं। पहली चैलेंज जो होती है वो हम अपने आप, मतलब खुद ही वो चैलेंज हम अपने ऊपर डालते हैं, खुद ही उसको फेस करते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूंगा, चैलेंज जो है। दूसरी है वो हमें नेचर देती है, या कुदरत जो है वो चैलेंज आपको दे देती है। और तीसरी जो है आपके पेरेंट्स, आपकी इन्वायरमेंट, आप पे दबाव डालकर वो चैलेंज दे देती है। तो जब आंखें खुलती है बच्चे की, जैसे मैंने कहा, तो गिर कर वो फिर चलना सीखता है। तो फिर तीसरी चैलेंज उसके लिए क्या होती है? स्कूल। स्कूल जब जाता है, स्कूल में टीचर क्या करते हैं? व्हाइट बोर्ड पर काम करके छोड़ देते हैं, समझाते समझाते कुछ भी नहीं है, बच्चों को चुपके से मारते हैं, टॉक टू। तो ज्यादा मैक्सिमम लोग होते हैं तो वो फोकस नहीं हो जाता है ना, टीचर फोकस नहीं करता, तो उनके पास तो फिर एक ही हथियार, एक ही वेपन होता है, चुक्का पकड़ो, सबको लाइन चुप, टाक पड़ाख पड़ाख पड़ाख, अभी मैं खड़ा हो जाऊं, स्टिक उठाऊ और आप सबको एक एक मारो, तो दर्द होगा ना, होगा ना, खामखवा होगा, तो बच्चा भी उसे दर्द से, उसी डर से बच्चा डरता है, वो फिर स्कूल नहीं जाता कल। फिर कल अगर नहीं जाता कल स्कूल, तो माँ बाप उसे 2-3 थप्पड़ मार देते हैं, फिर कल फिर कहेगा यो छुट्टी में करा जदा दो सब पीड़ी दिला सब बोला छुट्टी को, तो वो ही होता है ना, तो वो फिर छुट्टी करते हैं, इसी छुट्टी छुट्टी में उसका दिल छुट्टी हो छुट्टी हो छुट्टी खत्म हो जाता है, फिर वो घर पे रह जाता है। तो ये टीचर्स की जिम्मेवारी है कि उस बच्चे को सिखाए। अभी तीसरी पार्ट जो है हमारी सक्सेस की, वो है क्या होगी? Who can guess that? जो हम हर रोज करते हैं, no, मैंने तो हो चुका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, 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 अखारी ना खोजा ब्याह हम चक्कू
No problem. Yeah. Fine. अभी देखें, मैं जब भी लेक्चर देता हूँ या कोई स्पीच डिलीवर करता हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बात खामखा करता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपकी जो एबिलिटीज है उसका रिस्पॉन्स क्या होगा. यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जैक्ट मतलब है. आपकी जो एबिलिटीज है, जो आप करते हैं, उसका रिस्पॉन्स हमें क्या मिलेगा. यस. तो जब हम अपने कपड़ों का ख्याल रखते हैं, देखिए कि जाहिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल से घर आते हैं, टाई निकाल के उधर, बैग उतार के उधर, और उधर उधर सब चीजें उधर फेंक दे. सुबह उठते हालांकि चीज में सोचते रहते, सर में स्कूल की टाइमिंग भी चली जाती है, बस भी चली जाती है, बच्चा छुट्टी भी कर लेता है आराम से, खुश होता है, चेचा खा दे चिलड़ा निकल स्कूल ने भी छुट्टी पा दे छुट्टी में उकड़ा. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये आपकी एबिलिटीज का रिस्पॉन्स है. अगर आप की एबिलिटीज जो है वो बेहतरीन है, अगर आप जबरदस्त हो, मतलब आप अपने हर चीज का ख्याल रखते हो, आप अपने कपड़े खुद प्रेस करते हो, उसे खुद वॉश करते हो, खुद ही अपनी मेहनत करते हो, खाना सब कुछ खुद ही हैंडल करते हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी है, जिम्मेवारी है, तो इसे आपको ही करना चाहिए. और अगर आप किसी और काम में बिजी हो, अपनी काम में, तो कोई आना चाहता है आपकी थोड़ी सी मदद करना चाहता है, देन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम हिम, आप उससे मदद ले सकते हैं. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज है जो किसी के पास होती है, कोई नहीं करता, कोई परवाह भी नहीं करता कि स्कूल का सामान है, मड़ा छोड़ हम क्या करें उस पर, कोई परवाह ही नहीं करता. अभी कुछ लोग होते हैं केयरलेस होते हैं, सी ये डस्टर उसने रखा, हाँ भूल जाता, वही चलता नहीं, वही सोच में लग जाता कि मैंने किधर रखा. कुछ लोग होते अपने मोबाइल रख देता है, भूल जाता है कि मेरा मोबाइल किधर गया, पूरे घर में हंगामा, द्रोजो ग्रोफ, मेरा मोबाइल बस, या पॉकेट, किसी के पॉकेट में होता है, किसी के उधर पीछे जैकेट के उस जेब में होता है, या किसी अपने रूम में अपने बेड पर छोड़ देता है, खुला सामने होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, वो जहन से निकल जाता है. ये केयरलेस लोग होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है. मैं आप जो जर्नलिज्म जो आप सब है, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप ऐसे किरदार अदा कर रहे हो हमारी जो पाकिस्तान की सक्सेस, आप पूरी दुनिया को हमारी तस्वीर दिखा रहे हो, हमारी पिशावर की पाकिस्तान की तस्वीर दिखा रहे हो, कह लो ये है हमारा पिशावर पाकिस्तान, कितना खूबसूरत है. अगर नेगेटिव दोगे तो पूरी दुनिया नेगेटिव सोचेगी. अब देखें हम सिनेमा हाउस में जो केपी के जो फिल्में बनती है तो वो पूरी दुनिया को दिखती है, इसलिए तो दुनिया कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं, हम अच्छे लोग नहीं है, इसलिए तो दुनिया हमसे डरती है. यस. तो आपकी जिम्मेवारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरी दुनिया को आप हमारी पॉजिटिव पिक्चर दो, कि पूरी दुनिया को बताओ कि पाकिस्तान में टैलेंट है, और है, लोग हैं इसमें, बहुत से लोग हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होता, टैलेंट होता है, पैसे नहीं होता, कार खराब, इकोनॉमी मजबूत नहीं है, वो साइकिल मोबिलिटी वो चलता नहीं है, हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई तो प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट्स नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो दोबारा सेविंग नहीं होगी, और सेविंग के बाद फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी. अगर मैं पैसे जमा कर लूँ, सही है, जाके बैंक को कर्जा दे दूँ तो बैंक वाला किसी और को दे देता है, और फिर वो बंदा इन्वेस्टमेंट कर देता है, चलो ये यूनिवर्सिटी खोल दी, एक छोटी सी यूनिवर्सिटी खोल दी उसने, या स्कूल खोल लिया, सही है, तो उसी स्कूल में फिर वो प्रोडक्शन करेगा, इंजीनियर जाएंगे, वो बन जाएगा, जब बन जाएगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट आएगी, उसमें सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए होगा, उसमें टीचर्स, प्रोफेसर्स, सब कुछ, स्टाफ मेंबर्स, सब वो मौजूद होंगे. यस. तो एम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट के बाद उनको तनख्वाह मिलेगी, वो तनख्वाह से जो खर्च होता है वो खर्च हो जाएगा, और जो बचते हैं वो सेविंग कर लेंगे, जो बचते बचते उधर से भी बच रहे, उधर से भी, उधर से भी, उधर से भी, बस सब कलेक्ट कर रहे और एक साथ जमा करते हैं, 10-15 लाख रुपए हो जाते हैं, जाके बैंक को दे देते हैं, किए लो भाई कर दें, मतलब बैंक में हम जमा कर देते हैं, अपना अकाउंट खोल लेते हैं, कोई कौन से बैंक में जाता है, कोई किधर, तो हर एक की अपनी फिर सोच होती है ना, फिर वो अलग बात है. जब हमारी फाइनेंशियल मोबिलिटी, फाइनेंशियल साइकिल जो है वो मजबूत होगा, तो हर एक के पास जेब में पैसा होगा, हर एक ये एहसास कमतरी महसूस नहीं करे, हर एक फिर ये नहीं कहेगा उसके पास तो आईफोन है, मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो सादा मोबाइल भी नहीं है. वो पहला मोबाइल जो नोकिया का आया वो खख था, उसे हम कहते थे, वो बहुत भारी था ना, साइज में भी बड़ा था और बहुत भारी था, तो पख्तून से खख्ता कहता था, ये लगा खख्ता मैंने भी आगा से, तो फिर हाँ दोबारा भी आ गए. तो फिर जब पहला कैमरा वाला मोबाइल निकला 0.5 मेगापिक्सल का,
واللہ لوگ کتنے خوش تھے آج کل لوگ 20 میگا پکسل پہ بھی خوش نہیں ہوتے اللہ میرے فیس پر یہ کیا بنا ہے اللہ ذرا دوسرا کیمرہ لگا اللہ بیوٹی کیمرہ ڈاؤن لوڈ کرا اللہ سیلفی کیمرہ ڈاؤن لوڈ کرو یس ہم آج کل عادی ہو گئے ان چیز کی ہم کہتے ہیں نا اللہ میرا اسکن کا کیا یہ پکچر مت دو مت دو دوسری ڈالو دوسری دکھا ہم کہتے ہیں نا تو رسپانسبلٹی ہے اسے پورا کرنا یہ آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ پوری دنیا کو آپ ایک بہترین پکچر پاکستان کی دکھا دیا اقبال کہتے ہیں اقبال یس نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے کہ آپ کی نگاہ جو سوچ بلند ہوگی آپ کے آس پاس میں انوائرمنٹ پازیٹیو فریز لوگ اچھے ہوں گے اٹھنا بیٹھنا اچھا ہوگا تو اور جو جا پرسوز ہوگا جو اپنی مقصد کے لیے کامیابی کے لیے تن من دھن کی قربانی دے سکتا ہے اپنے جان مال کی وقت کی قربانی دے سکتا ہے تو پھر اس سے ہی اللہ تعالیٰ کام لے گا امامت کا کارواں کا ایک گروپ کا لیڈر بنے گا وہ اقبال پھر کہتے ہیں سبق پر پھر صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا کام تجھ سے پھر دنیا کی امامت کا صداقت جو ہم کہتے ہیں نا گھر میں کہ ان نون کال آ جاتی ابو ہمیں بار بار بچپن میں سمجھاتا ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہے جھوٹ نہیں بول رہے ہو جھوٹ ہو جھوٹ لیکن خود جب ان نون کال آتی ہے ہمیں دیتا ہے کس کو بولو ابو گھر میں نہیں تو آپ ایک تو بول لیں کہ جھوٹ مت بولو اور الٹا خود ہی ہم سے جھوٹ بولو ارے تو یہ کیا کام ہو تھینک یو سو مچ تھینک یو سو مچ تو پھر اگر ہم ایک چیز کسی کو بتا رہے لیکن ہم اس کو خود نہیں کر رہے خود نہیں کر رہے تو وہ تو اثر نہیں لے گا وہ تو آپ سے اثر نہیں لے گا اگر خود ہی کرے تو پھر وہ خواہ مخواہ آپ سے اثر لے گا اب وہ کہتے ہیں نماز پڑھو خود ہی جا کے بیٹھ پہ ہاں فیس بک لگا ہاں یوٹیوب ہو یہ ہو یہ سے خود ہی نہیں پڑھتا وہ بچوں کو کہتا ہے تو بچہ خواہ کیا ہے وہ اثر لے گا تو بچہ کدھر لیتا ہے اثر پہ بچے کو انوائرمنٹ گھر سے اچھی ملنی چاہیے یہ بات ہے تو سبق صداقت کے بعد پھر شجاعت آپ لوگ بہادر دلیر ہر مقابلہ ہر چیلنج پہ قدم قدم پر چیلنج پہ آپ فیس کریں آپ اسے اپلائی کریں دل سے اسے ایکسیپٹ کریں کہ آ جاؤ بھائی میں تیار ہوں میں تمہارے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو قدم قدم پر ہم اسے اپلائی کریں ایکسیپٹ کریں تو یہ شجاعت ہوئی شجاعت میں ابھی میں آپ کو قصہ کہتا ہوں سلطان محمد فاتح کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ جس نے قسطنطنیہ قسطنطین جو آج کل استنبول ہم اسے بولتے ہیں تو اس نے جس نے اس کو فتح کیا تو دنیا میں وہ جنتی ہو جائے گا تو پھر 600 سال مسلمانوں نے ملٹری بنائی آرمی فورس بنایا اور گئے فیل ہو گئے لیکن جب قسطنطین کی قسطنطنیہ اس کی ملٹری پاور اتنی مضبوط تھی کہ اس نے سمندر کے اندر ہی زنجیریں لگا دیا راستہ نہیں تھا تو پھر سلطان محمد فاتح کیا کرتے ہو ان میں اتنی شجاعت بہادر دلیری تھی نا کہ وہ صحرا ڈیزرٹ علاقے میں اس نے 400 کشتیاں کھینچ کر وہ قسطنطین گئے قسطنطنیہ پھر اس کو فتح بھی کیا آج بھی استنبول میں اس کا مقبرہ ہے بلو موس کے ساتھ اس کا مقبرہ ہے اس پہ لکھا جنت السردار مطلب جنت کا سردار تو ٹھیک ہے اس کو جنت دنیا میں ہی جنت مل گئے ابھی طارق بن زیاد ہے کہ وہ جاتے ہیں اپنی گشتیاں لے کر اسپین جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آنے پہ گشتیاں اپنی جلا دیتے ہیں حکم کرتے کہ گشتیوں کو جلا دو پیچھے سے ایک صحابی آواز دیتا ہے کہ اے طارق تم نے تو گشتیاں جلا دی اب ہم واپس کیسے جائیں وہ کہتے ہیں واپس نہیں جائیں گے پھر اگر طارق بن زیاد اپنی شجاعت نہ دکھاتا تو کیا مسلمانوں کی اسپین پر 800 سال حکومت آتی نہیں نا اگر سلطان محمد فاتح شجاعت نہ دکھاتا تو کیا قسطنطین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث تو وہ پورا ہو جاتا نہیں نا تو شجاعت ضروری ہے اور پھر عدالت انصاف ہمیں انصاف پسند ہونا چاہیے مطلب ہمیں انصاف ہو بالکل سب کے لیے پازیٹیو ایک ہی جیسے ایکول تھینک یو سو مچ عدالت گیو اٹ ٹو می آئی ول گیو اٹ ٹو یہ ٹرافی دیکھیں اور صحیح صحیح بتائیں کس کے منہ میں پانی آیا نہیں نہیں ریالی کی بات ہے کس کے منہ میں پانی آپ کے صحیح ہے پھر بعد میں کوشچن کروں گا پھر جواب دینا میں کسی سے کوشچن کروں گا اس لیے غور سے سنیے گا میں کسی سے کوشچن کروں گا اوکے تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے دنیا کی امامت کا لیڈرشپ کا کام لے گا اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دنیا کا لیڈر بنائے گا اور یہ کچھ چیزیں ہیں لیڈر بننے کے لیے آپ لوگ بن سکتے ہیں جب آپ اپنے آپ میں اندر میں یہ چیزیں لائیں تو اقبال کہتے ہیں تو راز کن فے کہاں ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا خودی کا راز ادا ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا جب تم راز ہو اس پورے نظام کے تم راز ہو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ کن فے کن پوری دنیا بن گئی
सही है, जब अल्लाह ताला ने कहा कुन फयकुन तो पूरी दुनिया बन गई। तो इसी के साथ ही इकबाल कहते हैं तुम राज हो इस पूरी दुनिया की निज़ाम के बदलने में, और अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करो, अपने आप को पहचानो, अंदर का जो टैलेंट है उसकी सलाहियत है उसको बाहर निकालो, जो आपके अंदर जो सलाहियत है उसे बाहर निकालो, लोगों को देखा और फिर अल्लाह ताला के खुदी के अल खुदा जो है अल्लाह ताला उसके तर्जुमा बन जाओ जैसे इकबाल थे। फिर तुम जो मुंह से निकालोगे अल्लाह ताला उसे पूरा करेगा, जो भी तुम मुंह से लफ्ज कहोगे अल्लाह ताला तुम उसे पूरा करे। तुम थूकोगे फेंकोगे लोगों से जमीन तक नहीं छोड़ेंगे, लोग उसे उठाकर हाथ पे सर पे लगाएंगे। फिर अल्लाह ताला आपसे लेगा दुनिया की इमामत का काम, दुनिया के लीडर होंगे। तो अब आते हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ। Introduce yourself to him and My name is Zuna Javed and I'm studying here. This is my previous year. Yes. I'm doing master's here. Okay. मेरा क्वेश्चन ये है, मैं कोई मुश्किल सवाल नहीं है। या प्लीज। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए किसने मोटिवेट किया? इकबाल, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, वो मेरी इंस्पिरेशन है। वो आपकी इंस्पिरेशन है। यस। उनके जो फलसफे खुदी है उसमें ऐसा मज़ा होता है कि उसमें हमें मज़ा भी मिलता है, हम अपनी हिस्ट्री जो होती है उससे भी खबर होता है और वो हमें सबक भी सिखाता है। इकबाल के कलाम में कभी चेंज नहीं आएगा, ये सुने, इकबाल का जो कलाम है वो कभी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इकबाल हदीसों कुरान से बाहर गया ही नहीं है। वो हर कुरान हदीस और कुरान मजीद के जो आयात तो उसने अपने शेर में, अपने शेर व शायरी में बदल कर उसने हमें दिए। तो हज़ारों सालों तक जब भी कयामत तक कुरान मजीद में तो और हदीस में चेंजेस नहीं आएंगी, तो जाहिर बात इकबाल के कलाम में भी चेंजेस नहीं आ सकती। थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमील हसन है, प्रीवियस कर रहा हूँ एमए जर्नलिज्म में। yes. मैंने एक मास्टर किया भी है इंटरनेशनल रिलेशन में, सेकंड मास्टर। आपने ये बात की कि स्कूल के लेवल में बच्चों को बहुत मारा पीटा जाता है और स्कूल में बच्चे मन से नहीं पढ़ते ना। yes. ठीक है, इसमें दो बातें हैं, ये मेरी थिंकिंग है। ठीक yes, है yes. इसमें एक ये है कि मैं बहुत टीचरों से मार खाता था, ये नहीं कि मैं डिसओबीडिएंट था और मैं नालायक था। तो मैंने एक दिन टीचर से पूछा क्लास फिफ्थ में कि सर आप मुझे क्यों मारते, मेरा तो पोजीशन भी आता है क्लास में और ओबेडियंट भी हूँ, अटेंडेंस भी ठीक है। उसने कहा कि जमील तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम काबिल हो, तुम एक गलती करो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मैं इसलिए तुमको मारता हूँ। तो एक जो बच्चा मार खाता है तो वो एक टीचर की मोहब्बत होती है ना, इसलिए वो उसको मारता है कि टीचर चाहता है कि उसका वो स्टूडेंट जो है ना वो कैरी करे। ठीक है, दूसरी बात आपने की कि मन नहीं लगाते बच्चे स्कूल में, दिल से नहीं पढ़ते। ठीक है, आप जो अभी मोटिवेशनल स्पीचर बने हो तो स्कूल के बेसिक से बने हो ना। ठीक है, स्कूल लेवल से आप मोटिवेशनल बने हो तो स्कूल में आपको वो बुनियाद फराहम की गई, आपके दिल में वो जज्बा आ गया। ठीक है, अभी मेरा एजुकेशन से लव स्कूल के ज़माने से है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ज़माने से नहीं है। मैंने बीच में दो तीन साल ब्रेक किया, फिर भी मैंने मास्टर कर ली, मैं सेकंड मास्टर में आ गया, ये मेरी मोहब्बत है। मैं वैसे बिजनेसमैन हूँ लेकिन फिर भी आई एम एन एजुकेटेड लवर, इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, सब काम का छोड़ के मैं यहाँ पे आया हूँ। दूसरी बात मैं आपको ये कहूँ कि मैं खुद एजुकेशन लवर हूँ। ठीक है, हमारे घर में खवातीन जो है ना वो क्लास 10 से ऊपर नहीं गई। ठीक है, लेकिन जब से मैं मास्टर कर रहा हूँ और ग्रेजुएशन लेवल में आया हूँ तो मेरे फैमिली में जितने लड़कियाँ हैं ना 2016 और 17 में उन्होंने जो है ना यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन लिया वो मेरे वसातत से, क्योंकि मैं एजुकेशन लवर था। मैंने उनके वालिदैन को जो है ना वो किया, इनकरेज किया कि आप भी इनको आगे भेजें, इनको पढ़ाएं। तो मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि ये एजुकेशन जो है ना स्कूल के बुनियाद से शुरू होता है, और स्कूल में अगर टीचर स्टूडेंट्स को मारते हैं तो वो प्यार से मारते हैं, उसके साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जैसा कि आपने कहा सही बात है, टीचर्स मारते हैं, कुछ प्यार से मारते हैं, लेकिन मारने के बजाय हम उसे प्यार से समझाएं तो बच्चा तो समझ लेगा। हम उसे मारपीट वो खौफ से फिर बच्चा पढ़ेगा, फिर वही बाद में रट्टा गोटा नकल का वो सिस्टम चलाता है, फिर बच्चा पेपर्स में रट्टा गोटा नकल करता है, तो
वो टीचर्स घर में माँ बाप उसको खौफ दिलाते हैं कि अगर तुमने फर्स्ट पोजीशन नहीं लिया तो बहुत मारूंगा, और कुछ लालच दे दे कुछ माँ बाप, अगर फर्स्ट पोजीशन नहीं आता तो तुम्हारे लिए बाइक खरीदूंगा, यस प्ले स्टेशन खरीदूंगा, एक्सबॉक्स, पीएसपी। तो वो बच्चा जो डराता है वो खौफ से, मतलब खौफ से सबक पढ़ता है, और अगर फर्स्ट नहीं आएगा तो मानेंगे, और कुछ लालच से सबक पढ़ते हैं, दिल से नहीं लालच से पढ़ते कि यार आ जाओ भाई, एजुकेशन तो इसी बाइक और प्ले स्टेशन के लिए बना है ना, तो आ जाओ इसी की तरफ आओ। तो प्यार से अगर समझाए तो बच्चा खामखा समझता है, अगर हम मार से समझाए बच्चा नहीं समझे, बच्चा और भी बिगड़ता है, कुछ बच्चे होते वो और भी बिगड़ जाते। लेकिन बच्चों का जिस तरह आपने इंटरेस्ट कहा, वो इंटरेस्ट कैसे बढ़ेगा बच्चों का, यही बात है कि हम अपने स्कूल्स में ऑडिटोरियम्स, प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, फिजिकली हम बच्चों को सिखाएं कि फिजिकल काम करवाए ना, तब तक तो वो नहीं सीखेगा। कि जब एक बंदा क्रिकेट के लिए निकल रहा है, उसको क्रिकेट का नाम भी, स्पेलिंग्स भी नहीं आती, तक क्रिकेट का बोल भी नहीं सकता, उसको हम क्रिकेट के लिए निकाल लेते हैं, तो जब तक उसे हम क्रिकेट की बातें करते तो वो तो नहीं समझेगा। जब तक उसने बैट नहीं उठाया, उसने शॉट ना मारा, और जब तक उसने बॉल पकड़ कर बॉल ना किया, वो नहीं सीखेगा। तो ये तो बात है, फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए, लेकिन हमारे स्कूल में नहीं होता है। हमारे स्कूल में आओ, व्हाइट बोर्ड पर लिखो, और या डायरी दो, सफा नंबर 1 से 13 तक याद करो, तो बच्चा फिर उसी में होता है, और फिर उसी में रट्टा घोटो लगा लगा कर फिर आ जाता है। फिर फाइनल टर्म में फिर ऐसे भी होता है कि नकल करते, कुछ पेपर्स लाते हैं हाथों में, पेपर छुपाते, कुछ किधर, कुछ शूजों में, शूज में पेपर छुपाते हैं, ऐसे फिर नकल करते हैं, फिर उनका सिस्टम ही फिर नहीं होता, या तो कुछ नहीं किया, फिर वो कॉपी पे लिखते हैं, कॉपी पेस्ट हो जाते हैं कॉपी पे, बस दिमाग कहता है कि मैडम ने करवाया, मेरे कॉपी में लिखा, याद करने की जरूरत नहीं। फिर वही बच्चा जो जब एग्जाम आते हैं तो तब वो उसे उठा लेता है, और तब वो रट्टा घोटा वो सिस्टम लगा रहता है, फिर पढ़ते हो पढ़ते हैं। लेकिन बात यह है कि हम घर में पश्तो बोलते हैं, स्कूल में उर्दू बोलते हैं, और फिर एग्जाम्स अंग्रेजी में देते, इंग्लिश, तो बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है। जाहिर बात है उसको तो अंग्रेजी नहीं आती, अगर किसी के बड़े बाल हो तो उसमें पेपर छुपा के नीचे ला के। मैंने एक वीडियो देखी थी, एक्चुअली यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, वो जापान की थी, कि एक बंदे के बहुत बड़े बाल होते, उससे पेपर निकाल के तो लिखा होता अपने पेपर के आंसर लिखा होता। अस्सलाम वालेकुम, आपने बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन पेश किया, आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग जो है उनके पास नॉलेज भी बहुत होती है, आइडियाज भी बहुत होते हैं, लेकिन जब वो आते हैं यहाँ पर तो सब कुछ भूल जाते हैं, बात करते हैं है और बस, लेकिन सब कुछ भूल जाते हैं। तो आप ऐसे लोगों के लिए या मेरे लिए या हम सब के लिए क्या राय देंगे कि वो यहाँ पे आके कॉन्फिडेंट हो के वो यहाँ पे बात करे? सो प्लीज, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, हमें एक्सपेरिमेंट अपने आप पे जरूर करना चाहिए। हम कहते हैं कि हमें, हमारे पास बहुत नॉलेज है, लेकिन एक आदमी के सामने हम बात नहीं कर सकते, अगर अकेला या एक हो या दो उसके सामने बात नहीं कर सकते। अगर आप शीशे के सामने खड़े हो जाए और वही बातें अपने आप से सामने करें और वही बातें दोहराए तो आप नहीं भूलेंगे। और एक बात ये, आप में बोर्डनेस और करेज भी आ जाएगा। आप छोटे छोटे से ऑडिटोरियम्स लोगों में जाकर छोटे से शुरुआत एक दो बंदों से लें, फिर बाद में 4, 5, 6, पर जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आप सीखते रहेंगे। यस, जब तक हम सीखते रहेंगे, लर्निंग करते रहेंगे, तो हम मतलब प्रैक्टिस भी करते रहे तो फिर हम सीखेंगे। देखिए, अगर हम खड़े हो जाए और फिर लगातार बोलते जाए, अगर मैं खड़ा हूं तो मेरे पीछे सामने 5,000 की ऑडियंस है तो मैं डर जाता हूँ, लेकिन नहीं, मैं अपने दिल से खौफ का नाम हटा दूं कि खौफ चीज है नहीं, ये खौफ क्या चीज है, खौफ तो दुनिया में कोई चीज है नहीं। अगर हम खौफ को हटा दें, खौफ की जगह कोई अच्छी तस्वीर बना दे दिमाग में, तो फिर हम कर सकते हैं। देखिए, हम दिमाग में गलत तस्वीर डालते हैं। एक बंदा है जंग के लिए, उस पर चढ़ जाता है और फिर वो सामने देखता है, जैसे वो उससे ताकतवर होता है, फिर वो जैसे उसे मारता है वो बेहोश हो जाता है या गिर जाता है, तो उसकी जहन में पिक्चर गलत हुई, वो उसकी बॉडी को देखता है, उसकी जिस्म को, ये तो खतरनाक है, ये मुझे मार देगा, ये मार देगा, पिक्चर बन गया जहन में, दिमाग में सेव हो गया कि मार देगा वो, खत्म हो गया मुझे तो ये मार। लेकिन हम उसी फाइट से पहले, एक 15-10 मिनट पहले हम जहन में तस्वीर बनाए कि मैं जाऊंगा इस तरह मारूंगा, फिर हम जाए, हमारा एक ही वार उसके लिए काफी होगा, हमारा एक वार होगा, जितना भी बड़ा क्यों ना हो, भिक्षुई क्यों ना हो, हमारा एक वार होगा, वो जमीन पे पड़ा होगा। यस, एग्जैक्टली। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, लेकिन हमारा ताल्लुक चूंकि एक फील्ड से है, आई एम आल्सो मोटिवेशनल स्पीकर, एंड आपके करेज के लिए मैं पूरे क्लास को कह रहा हूँ कि बैकग्राउंड ऑफ क्लास होना चाहिए।
Thank you so much. Thank you so much, sir. Yes. I am Wajid Khan, student of journalism. और क्वेश्चन करने से पहले मैं आपकी स्पीच पे अप्रिशिएट करना चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं खुद भी यहाँ खड़ा होता लेक्चर तैयार करके तो शायद ना कर पाता स्पीच में बोल जाता क्वेश्चन मेरा ये है आपको पता है कि गद्दी के एबिलिटीज क्या होते हैं डंकी यू नो डंकी यस वाओ हु स्टडी अबाउट डंकी मैं बताता हूँ लोड भर के लेके जाते हैं तो उसका रिस्पॉन्स भी यही होता है कि वो खामोशी से अपना लोड लेके जाता है क्योंकि उसे मारते हैं फिर अगर वो रिस्पॉन्स सही तरीके से नहीं करता इसी तरह आपने दो पॉइंट्स और बताए हार्ड वर्क है और सब्र है हार्ड वर्क भी वो बहुत ज्यादा करता है और सब्र भी जाहिर सी है करते हैं अब आपने ये तो हो गया वो ये तीन पॉइंट्स तो गद्दे में भी है आपने हमारे लिए बताया तो रिस्पांसिबिलिटी बात तो यह है कि एक अगर मैच्योर है कोई मैच्योर के मेजरमेंट हम इससे करते हैं कि उसकी रिस्पांसिबिलिटीज देखते हैं वो अपनी रिस्पांसिबिलिटीज को पूरा करते हैं कि नहीं करते तो मेरा तो यहाँ पर दो हफ्ते तकरीबन हो गई और अगर हम डीप में जाए तो उस हिसाब से मैं अगर देखता हूँ तो यहाँ पर तो कोई भी मुझे मैच्योर नहीं लगता एक्सेप्ट टीचर्स मैं उनकी बात नहीं कर रहा और दूसरी बात यह है कि आपने अलामा इकबाल की खुदी की फिलासफी को भी टच किया तो हम तो पाकिस्तानी हैं और आपसे इसको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम बहुत लेजी लोग हैं तो मतलब एक सिंपल से फार्मूला बताइए क्योंकि ये तीनों चीज़ें तो उनमें भी है और हम तो कर ही नहीं रहे हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें पता ही नहीं है हमें खुद ही पता नहीं कि खुद ही क्या चीज़ होती है तो इसी का आंसर दे और आई एम श्योर मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जवाब आपको पता है क्योंकि मैं आपके टीचर को भी जान लिया हूँ कि आपका टीचर कौन है सो प्लीज ओके देखिए इकबाल का कलाम जो है उसमें आपकी तो खुद ही वो स्ट्रांग हो जाती है लेकिन इकबाल के कलाम में ऐसी ताकत है ना कि एक अंग्रेज इकबाल के बारे में बोलता है ही वॉज द मैन ऑफ हिज एज He was the man above his age and he was the man at war of his age. वो अपने दौर का आदमी था जिस उसने जो करना था अपने दौर में कर चुके थे वो अपने दौर से आने वाले दौर के आदमी थे वो अपने दौर के जंगे हालत में थे एक अंग्रेज कहता है कि अगर आज इकबाल जिंदा होता ना तो पूरी दुनिया उसके हाथ में होता पूरी दुनिया उसके हाथ में होती इकबाल के कलाम को जो भी स्टडी करे ना नामुमकिन है कि वो कामयाब ना हो सके नामुमकिन है हम मुसलमान हैं इकबाल ने कलाम हमारे लिए छोड़ा है नौजवानों के लिए अफराद के लिए इकबाल बोलता है अफराद के हाथों में है अक्वाम की तकदीर हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा तो इकबाल की कलाम बच्चों या बूढ़ों के लिए नहीं है नौजवानों के लिए भी है बच्चों के लिए भी बूढ़ों के लिए सब के लिए देखिए इकबाल ने कलाम हमारे लिए छोड़ा सही है उसने सारा कलाम हमें दिया हमारे लिए छोड़ा लेकिन कामयाब उस पर ईरान हुआ ईरान ने 1983 तक आए थे उसने इकबाल का कलाम उठाया उस पर काम किया तो दो तीन सालों में उसने जब इकबाल के कलाम पे खुद ही पर उस पर फुल काम किया वो कामयाब हो गए आज देखो वो कितने वो डाउन थे वो जंग एक वॉर जोन था वहां पे ईरान पे लोग झगड़ते थे अभी वो कम हो गया है इकबाल का फलसफा जो आ गया वो कामयाब भी हो गए एजुकेशन सिस्टम भी वो भी जबरदस्त हो गया तो देखिए इकबाल के कलाम में नामुमकिन है कि आप फेल हो जाए और अगर जिस तरह आपने डंकी की बात की कि उसकी तीन एबिलिटीज होती है वो सक्सेस नहीं होता क्यों नहीं होता उसके पास अकल नहीं है शऊर नहीं है हमारे पास शऊर है कॉन्शियस है सब कॉन्शियस भी और अनकॉन्शियस भी उनके पास नहीं होता मैं पूरी क्लास की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जो सर जी लोग कह रहे हैं कि माशाल्लाह पठानों में टैलेंट नहीं है इस तरह हमने आज तो देखा रियली हम काफ़ी इंस्पायर हो गए अच्छे मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि माशाल्लाह आपने जो मोटिवेशन जो स्पीच की है आप जो स्पीकिंग का अंदाज है आपके जो टैलेंट है आपके जो बोल्डनेस है आपको मतलब आगे जाना है आगे आप किस फील्ड में जाना होगा मतलब आप एक अच्छे लायर भी बन सकते हैं एडवोकेट भी बन सकते हैं पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं एक अच्छा लीडर भी बन सकता है जो कि हमारे लिए खुशकिस्मत का बायस बनेंगे आप तो आपकी लाइफ में गोल क्या है आगे गुड क्वेश्चन ये अभी अच्छा क्वेश्चन था इकबाल का शाहीन एक हो गया और एक हो गया मैं एक रिफॉर्मर हूँ
मैं एक क्रिएटर हूँ, मैं कल्चर और हिस्ट्री क्रिएटर हूँ, मैं अपनी हिस्ट्री बनाऊंगा। इकबाल जो हमारी 1400 साल की जो हिस्ट्री है वो अपने कौम को बताऊंगा, इकबाल के साथ उठेंगे हम, मैं अपने कौम को कर्ज लूंगा, इकबाल सिखाऊंगा कि उसने क्या बोला था हमारे लिए, उनको अपनी 1400 साल की जो तारीख है, जो मेहनत है, पिछले इकबाल से पहले, इकबाल से पहले probably he is the best Muslim brand in the last 500 years. इकबाल से पहले जो भी थे वो बहुत बहादुर थे। देखिए हमारी पिछली जो 1400 साल हिस्ट्री है, इकबाल और कायदे आजम के बाद कोई नहीं आया। इकबाल और कायदे आजम, आई फॉलो इमरान खान, काजी फॉलो द अल्लामा मोहम्मद इकबाल, यही एक हमारा नया लीडर है और इंशाल्लाह यही नया पाकिस्तान बनाएगा इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैं इसका फतेह मोहम्मद साफी को और जनरल स्टूडेंट हूँ। पहले तो मैं आपकी इस चैलेंज को बहुत सराहती हूँ, जितनी व्यापार हमने कम माशाल्लाह बहुत। मेरी क्वेश्चन तीन क्वेश्चन है, पहला ये कि आप किस क्लास में हैं और दूसरा ये कि आपने पहला स्पीच कहाँ दिया था, उसमें आपने क्या किया? मैं फिफ्थ क्लास में हूँ, फिफ्थ ग्रेड में। और जो मेरी पहली स्पीच थी वो मेरी क्लास में थी और वो मेरी इकबाल के बारे में थी। छोटी सी स्पीच लेकिन मैसेज बहुत बड़ा। उस टाइम मैं इतनी बड़ी हेजिटेशन फील कर रहा था ना कि मुझसे अल्फाज इधर उधर हो रहे थे। आई कैन नॉट हैंडल दैट ऑन दैट टाइम। नो, तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा पहला प्रेजेंटेशन था, वो भी मेरे स्कूल में क्लास में पहली स्पीच थी मेरी, असेंबली हॉल में उधर ऑडिटोरियम में, तो मेरी पहली स्पीच। लेकिन उसके बाद फिर मैंने ये सीखा कि जब मैं जब तक प्रैक्टिस नहीं करता, शीशे के सामने खड़ा होकर बस जो भी मुंह से निकल जाओ वो बोलते जाओ लगातार बोलते जाओ, दिल का बड़ास निकालो अपना, फिर बाद में जाओ उस चीज को सीखो। तो दिल का बड़ास निकल गया, सारे वर्ड्स वो निकल गए, अभी नए वर्ड्स अच्छे वर्ड्स इंटर हो गए। स्कूलिंग, यस, मैं अभी हमारी निजी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे मैं यूट्यूब गूगल्स पे सीखता हूँ, इकबाल के बारे में स्टडी करता हूँ, टीचर्स वो मुझे सिखाते हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश, माशाल्लाह पिछले 10 सालों से वो मेहनत कर रहे हैं, माशाल्लाह इकबाल के शहीन बना रहे हैं, लोगों को, दुनिया को पाकिस्तान की अच्छी तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे मुल्क से तो पाकिस्तान की अच्छी तस्वीर नहीं निकल रही, नेगेटिव कि हम लेजी हैं, हम काम नहीं करते, दिन रात हम सोते हैं, लेकिन हम उधर काम कर रहे हैं, हम तो दिन रात हमारी मेहनत होती है कि हम काम करें। वो इंग्लिश लैंग्वेज भी है, कंप्यूटर भी हम सिखाते हैं, DIT CIT इंटरनेशनल कोर्सेज हो गए, IELTS। पाकिस्तान में है, इन पेशावर, फकीराबाद, यस एग्जैक्टली। मेरा नाम अमीर है, मैं से मेरा ताल्लुक है। मैं अपनी जिंदगी में न किसी से इंस्पायर हो और नहीं इंस्पायर होगा एक्सेप्ट माय टीचर्स एंड देन माय पेरेंट्स। इकबाल की बात आप बार बार कर रहे हैं लेकिन इकबाल मेरे कभी नहीं मानता। इकबाल के नजरियात से मेरा बिल्कुल इख्तलाफात है क्योंकि इकबाल पहले भी कहता है हिंदू चीनो अरब हमारा, हिंदू सुता हमारा, मुस्लिम में हम वतंगे सारा जिहा हमारा, फिर वह दो कौमी नजरिए को क्यों सपोर्ट करते हैं? हर एक की अपनी सोच होती है। देखिए अगर इकबाल ना होते, उन्होंने कायदे आजम की तरबियत ना की होती, तो आज कोई, अगर मैं कायदे आजम या किसी अंग्रेज के घर में टॉयलेट वॉश कर रहा होता। एग्जैक्टली बात है, उन्होंने हमें नया पाकिस्तान दिया, अगर वो ना होता तो आज भी हम पे वो अंग्रेज होते हैं, इंडियन होते हैं, वो हम पे रूल कर रहे थे, हम उनके सामने सर टिक करते। देखे कि हमने फैसला किया कि हम अंग्रेजों को खत्म करेंगे, उनसे अपना सबकॉन्टिनेंट जो रूल था वो जो हम रूल करते वो वापस लेंगे, हिंदूज हमारे साथ मिले, हिंदू जो थे हमारे साथ मिले, लेकिन दरमियान में हम जब जंगे मैदान पर उतर गए तो आज भाग गए, पीछे हट गए कि हम नहीं कहते मुसलमान हार गए। यही बात है, अगर इकबाल ना होता तो आज तुम पाकिस्तान में ना होते, पाकिस्तान की सोच ना होती, कोई पाकिस्तान का नाम तक नहीं जानता।